नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना को लेकर बनी मौजूदा परिस्थितियों के बीच एसटीवी न्यूज ने आयोजित किया पैनल डिबेट। चर्चा में भाग लेते हुए जिला पदाधिकारी ने लॉकडाउन को लेकर कही बड़ी बात। कल रात 8 बजे एसटीवी न्यूज पर होगा इस डिबेट का प्रसारण। नरकटिया गजन मंडल के सब्जी बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का डंडा। दुकानदारों से वसूली गई जुर्माने की राशि। बचपन बचाओ आंदोलन की बड़ी कार्रवाई। सुगौली में 2 बच्चों के साथ दलाल पकड़ाया। मसौलिया में अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। बताए गए फायर फाइट के टेक्निक। कोरोना विस्फोट को देखते हुए एक बार फिर प्रवासियों को सताने लगा लॉकडाउन का डर। दूसरे राज्यों से होने लगी घर वापसी। एक और कोरोना विस्फोट तो दूसरी ओर अरेराज में लोग हैं बेखबर। मंडियों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। कोटवा जसौली पट्टी ग्राम पंचायत में तेजी से घुमा विकास का पहिया। मुखिया के काम से गदगद दिख रहे हैं ग्रामीण। और मोतिहारी गांधी मैदान में चल रहे स्वर्गीय प्रदीप नंदन शर्मा उर्फ दीपू जी के जिला क्रिकेट सुपर लीग में यंग 11 ने मारी बाजी। राइजिंग स्टार को हराया। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण की। कोरोना वायरस ने साल 2020 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड लगभग 8% की गिरावट आई, जबकि विश्व अर्थव्यवस्था में 3.3% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन फिलहाल चिंता का विषय यह है कि 2021 में कोरोना ने फिर से अटैक कर दिया है और इसके फैलने की रफ्तार पहले से ज़्यादा है। फिलहाल भारत में कोरोना संक्रमण मरीजों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से डेली नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यह उभर कर सामने आता है कि क्या कोरोना के दोहरे अटैक को झेलने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इसके लिए तैयार है, या फिर कोरोना से बचने के लिए संभावित लॉकडाउन या दूसरी पाबंदियों को झेलने के लिए भारतीय बाजार तैयार है? इन्हीं विषयों पर आज एसटीवी न्यूज़ ने एक पैनल डिबेट आयोजित किया, जिसमें पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, मोतिहारी के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजर नसीम, मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष विवेक गौरव, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सुधांशु रंजन और समाजसेवी संजय कुमार ने हिस्सा लिया। इस डिबेट में मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर विस्तार से चर्चा की गई। इसका प्रसारण एसटीवी न्यूज पर कल रात 8 बजे किया जाएगा। क्या तैयारियां हैं मौजूदा सिचुएशन जो कोरोना का जो दोहरा अटैक हुआ है उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं जिला प्रशासन की या सरकार की? जो सडन अपसर्ज हुआ है कोरोना केसेस में, उसमें जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनका जो मेन फोकस है वो हमारा ट्रीटमेंट है, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है। इसके साथ साथ नया आयाम जो है काउंसलिंग भी हमको करना है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में आप देख रहे होंगे कि पैनिक की स्थिति जो है बरकरार हो रही है। मोतिहारी ज़िले की जहां तक हम बात करेंगे, टेस्टिंग का आंकड़ा आप अगर देखेंगे तो बिहार में पूरे सेकंड नंबर पर हम आते हैं। 11 लाख प्लस टेस्टिंग हुआ है, 11,10,000 हमारा। और ये इसमें भी RT-PCR पे हम फोकस दे रहे हैं। अगर आप जून अप्रैल 2020 की बात करेंगे तो हम 396 टेस्ट किए थे, मई 2020 में 1200 किए थे एक महीने में, और मार्च 2021 में हम बात करते हैं तो 23,711, 1600 RT-PCR टेस्ट पर डे के हिसाब से हम जा रहे हैं। और अभी जो है, क्योंकि सडन अपसर्ज जो हुआ है, तो एंटीजन टेस्ट का भी जो है अब टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अब जहाँ तक ट्रैकिंग की बात है, महाराष्ट्र से जो स्पेशल ट्रेन आ रही है या गुजरात से वगैरह, तो उसका ट्रैकिंग भी हमारे पास हो रहा है। तो वहाँ से ही जो है अनुरोध भी किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। और क्योंकि राज्य सरकार का कल निर्देश था, लेकिन आज जो है किसी कारणवश उसको हेल्ड अप किया गया है, परंतु हमारी तैयारी है। तो टेस्टिंग भी जो है हम रेलवे स्टेशन पर ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन अब 100% टेस्टिंग जो ऐसे स्टेट जहाँ पे ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ है वहाँ पे हमको करना है। एक सीरियस इन्फेक्शन है जो हम लोग के हार्ट और लंग्स दो चीज़ों को अफेक्टेड करता है, और जो ये बीमारी करता उसको हम लोग SARS बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब पेशेंट सांस लेने में बेहद तकलीफ़ फील करेगा,
उसके चेस्ट में कंजेशन होगा और इसमें एक जो इसका पैथोलॉजी है वो होता है कि इसमें क्लॉटिंग बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बनने लगते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से, जिसकी वजह से खून के थक्के नलियों को जाम कर देते हैं और कई बार या अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का डेथ जो होता है हार्ट अटैक से होगा या पल्मोनरी एम्बोलिज्म से होता है और ये एक टिपिकल ये इसका पैटर्न है। एक अंदर भय सा माहौल बन गया क्योंकि व्यवसाय की पूंजी लगी हुई है, जो सामान लेकर आए हैं यहाँ पे हम लोग बेचने के लिए कहीं से लाते हैं, अपना बिहार में तो प्रोडक्शन है नहीं, तो जहाँ से भी लाते हैं तो उनको पेमेंट भी करना है, अगर आज कुछ हो गया तो पेमेंट कहाँ से करेंगे, व्यवसाय की साख खराब होती है, इन सब चीज़ों को लेकर व्यवसायी बहुत आशंकित हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। व्यवसायियों के लिए हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया सरकार से कि आप लोग व्यवसायी को कुछ ना कुछ सुविधा मुहैया कराएं, लेकिन अभी तक व्यवसायियों को कोई सुविधा मुहैया नहीं सरकार द्वारा किया गया। हम लोग को इसको लड़ना है क्योंकि हम लोग को सबकी ख्याल भी रखना है, सब सुरक्षित भी रहें देश में और व्यापार भी प्रभावित ना हो, तो इस हिसाब से सरकार से हमारी यही मांग है कि वो लॉकडाउन जैसे गंभीर विषय पर विचार न करते हुए इनको व्यवसाय का जो सिस्टम है वो एज इट इज़ चलता रहे, वो प्रभावित ना हो और जो दूरियां हैं जो मतलब जो सोशल डिस्टेंस का जो है चर्चा है, देखिए इस बार के एक विषय में पॉजिटिव ये है कि पिछले साल जब कोरोना जब आया था तो कुछ पता नहीं था कि क्या होना है, कोरोना क्या करेगा, लॉकडाउन किस तरह से होगा, इसलिए बार बार कई तब्दीलियाँ भी होती थी लॉकडाउन के सिस्टम में। देश भर में कोरोना के दूसरे अटैक ने एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए मजबूर कर दिया है। गौरतलब हो कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद अन्य राज्यों के लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट आए थे और एक बार फिर कुछ ऐसा ही नज़ारा इस साल भी रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रहा है। 6 महीने पहले ही मजदूर वापस रोजी रोजगार के लिए घर को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में गए थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना विस्फोट को देखते हुए उनकी चिंताएँ बढ़ गई हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है जिसके बाद मजदूरों को एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। इसी क्रम में नरगटियागंज जंक्शन पर जैसे ही बांद्रा ट्रेन पहुंची, सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर उतरे। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुंबई में नाइट कर्फ्यू लग गया है जिससे कई कल कारखाने और दुकानें बंद हो गए हैं, ऐसे में मजबूरन उन्हें घर वापस लौटना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट को देखते हुए जिला प्रशासन चौकस है। प्रशासन द्वारा कोरोना के बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है, बावजूद इसके लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। अरेराज अनुमंडल की बात करें तो वहां सब्जी मंडी में लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं, वहां कोरोना का खौफ लोगों के दिलों से बिल्कुल निकल चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बाजारों में लोग बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए खरीदारी करने में मशगूल हैं। इस तरीके से मंडियों में बेखौफ घूमना क्या कोरोना नियमों की धज्जियाँ उड़ाना नहीं है? अनुमंडल प्रशासन भी इसको लेकर बिल्कुल बेखबर दिख रही है। मंडी में भीड़ लगाए इन लोगों को कोई कहने वाला तक नहीं कि भाई जिंदगी बहुत प्यारी है, अपने लिए ना सही तो कम से कम परिवार और गांव समाज के लिए ही कम से कम मास्क तो लगा लो। नरकटियागंज नगर के सब्जी बाजार में अनुमंडल पदाधिकारी साहिला हीर के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान दर्जनों दुकानदारों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। गौरतलब हो कि विगत दिनों SDM ने सब्जी बाजार का निरीक्षण किया था और बीच सड़क पर सब्जी दुकान और अतिक्रमण शेड को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द उन्हें हटाने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की समस्याएं बनी रहती है जिसके चलते सवारी तो दूर, आम लोगों को पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। इसी को देखते हुए आज अनुमंडल प्रशासन पूरे एक्शन में दिखा। नगर प्रबंधक विनय रंजन ने बताया कि नगर के सब्जी बाजार के सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस दौरान 24 वेंडरों व दुकानदारों से 12,000 जुर्माने की राशि वसूल की गई। साथ ही COVID-19 पर सरकारी गाइडलाइंस के आलोक में मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों और राहगीरों से भी करीब 7,000 रुपये जुर्माने वसूला गया। सुगौली रेलवे स्टेशन पर 2 बाल मजदूरों को एक दलाल से मुक्त कराया गया है, साथ ही दलाल को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि इन बच्चों को बाल मजदूरी कराने के लिए दलाल के द्वारा अवैध एक्सप्रेस से सूरत ले जाया जा रहा था। इस बात की भनक जैसे ही बचपन बचाओ आंदोलन की असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर आरती कुमारी को मिली तो तुरंत उन्होंने एक संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की। बच्चों की काउंसलिंग में पता चला कि दोनों बच्चे सूरत की धागा फैक्ट्री में काम सीखने जा रहे थे। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बरामद बच्चों और दलाल की पहचान कर ली गई है।
वहीं पूछे जाने पर उसने बताया कि वहां पर बच्चों को प्रत्येक माह में 13,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं आरती कुमारी ने बताया कि पकड़े गए दलाल पर FIR दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। मझौलिया सुगर इंडस्ट्रीज में अग्नि सुरक्षा के संबंधित मॉक ड्रिल सह जागरूकता अभियान का आयोजन जिला अग्निशमन पदाधिकारी रमेश कुमार यादव की टीम द्वारा किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से कारखाना के कामगारों को आगलगी की घटना से बचाने और बचने के तकनीक बताए गए। आए दिन घट रही आगलगी की घटनाओं को देखते हुए तरह तरह के कार्यक्रम जगह जगह चलाए जा रहे हैं। इस दौरान अग्निशमन ट्रेनर राजू कुमार ने फायर फाइट के कई गुर लोगों को सिखाए। मौके पर सुगर इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी, सिक्योरिटीज गार्ड्स और वर्कर्स भी मौजूद रहे। वैसे तो ग्राम पंचायत के प्रधान पर अब तक तरह तरह के इल्जाम लगते आए हैं, लेकिन आज इस खबर में एक ऐसी पंचायत का जिक्र करने वाले हैं जहां की जनता अपने प्रधान यानी मुखिया से काफी खुश नजर आ रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं भी यहां धरातल पर उतरते दिख रही है और लोग भी इसे बखूबी स्वीकार कर रहे हैं। चाहे वह नल जल हो या फिर नली गली योजना, सभी यहां चकाचक नजर आएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड की जसौली पट्टी ग्राम पंचायत की, जहां पिछले 15 वर्षों से पूरे पंचायत में तेजी से विकास का पहिया घूमा है। देखिए ये रिपोर्ट। जहां पूरे बिहार में पंचायत में किए गए विकास यानी मुख्यमंत्री सात निश्चय महत्वाकांक्षी योजना पे सवाल उठ रहे हैं, आए दिन मुखिया और मुखिया पति पे आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, हर घर नल का जल, नली गली और पक्की सड़क का काम नहीं हुआ है। तो वहीं पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड का एक ऐसा पंचायत है जहां की पूरी जनता अपने मुखिया के द्वारा किए गए कार्यों से खुश है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पंचायत में आकर रियलिटी चेक किया जाए कि आखिर क्या वजह है कि मुखिया से लोग इतने खुश हैं और यहाँ की जनता मुखिया की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। जी मैं बता दूं, इस वक्त मैं हूं कोटवा प्रखंड के जसौली पट्टी पंचायत में और मैं आज इस पंचायत की जमीनी हकीकत टटोलूंगा और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और मुखिया पति और मुखिया से भी बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इनकी पंचायत की तारीफ पूरे प्रखंड, पूरे जिला, पूरे बिहार में हो रही है। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। नल जल बनिए गए, पानी पीते बनी सो, रोड बनिए गए, बिजली लगी है गे। मुखिया जी ऐसा कोनो काम जे ना करेले हो ना, सब बीमारी तेमारी सब के ले जाके इलाज करावल। हमारे गांव में बहुत बढ़िया मुखिया जी का व्यवहार है। किसी का तबीयत खराब होते हैं तो ले जाते हैं, अपने जेब से पैसा लगे चाहे जैसे भी हो दिखाते हैं। और हमारे गांव में सड़क का भी बहुत बढ़िया विकास हुआ है, नल जल भी चल रहे हैं, सब जनता पानी भी पी रहे हैं, सब खुशी है, बहुत बढ़िया है। कितने लाइट भी लगे हैं। जी हाँ, हमारे पंचायत में विकास हुआ है और हर घर नल जल योजना चल रही है सुचारू रूप से। और इसके अलावा कोई काम? और सड़क की व्यवस्था अच्छी है और बिजली की व्यवस्था, हर पोल पर बॉल लगा हुआ है, जो ये अपने स्तर से उसको अगर फ्यूज भी होता है चेंज कराते हैं, और सब व्यवस्था यहाँ का दुरुस्त है। खूब बढ़िया, हमने ऐसा मुखिया तो कहीं ना, मुखिया जी तो ऐसा बढ़िया काम करे बड़न कि मुखिया जी कहियो हटिए नहीं खन सकत। हाँ, नल जल, रोड, बिजली, सब हरेक चीज इनका बढ़िया बात बाटे। हमने का बहुत बढ़िया तरीका से बा इनका काम, सब हमने का बहुत अच्छा लगता, देखे में भी अच्छा, सब हरेक चीज से इलाज फिलाज सब अपना पॉकेट से लड़नी, अपना पॉकेट से करनी। आज कोई का दुख बीमार हो जाए तो तुरंत जाल जाए, कहल मुखिया जी है बात बा, मुखिया जी तुरंत अपना गाड़ी से लादा में ले जाए, अपना पॉकेट से रुपया लगाई ले। नहीं, सब कुछ काम हुआ है अच्छे तरह से, सोलिंग हुआ है, PCC हुआ है, मनरेगा से काम हुआ है और इंदिरा आवास मिला है। मुखिया जी बहुत अच्छे से काम कराए हैं हमारे पंचायत में, सब चीज़ का व्यवस्था अच्छा है। इसमें सात निश्चय महत्वाकांक्षी योजना का सात निश्चय बहुत अच्छे से चल रहा है। जल नल योजना है जो बहुत अच्छे से चल रहा है, पानी सब लोग अच्छे से पी रहे हैं, जो खर्च लग रहा है सो मुखिया जी अपने पॉकेट से बनवा रहे हैं, लगा रहे हैं, इसमें कोई मुखिया जी इस पंचायत के बहुत अच्छे हैं। देखिए, 30 साल पहले से सबसे पहले हमको सेवा भावना से बहुत लगाव है। हम गरीब मरीजों का इलाज पढ़ाई पीरियड से ही करा रहे हैं। डॉक्टर समाज में मेरा इतना अपना व्यवहारिक रूप से बना हुआ है जो मेरे पंचायत के गरीब का मोतिहारी हो या पटना, कहीं भी नंबर नहीं लगता है। डॉक्टर लोग आधे पैसे से कम में भी इलाज कर देते हैं। मैं आज भी कैंसर मरीज को लेकर पटना, दिल्ली, बॉम्बे अपने खर्चे से, मेरा एक गाड़ी एम्बुलेंस के रूप में चलता है, जो कार है छोटी कार,
उस पर मरीज के लाद के आपको आश्चर्य होगा कि मेरे गांव के जामुन मलिक का लड़का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गया। 2015 में ड्राइवर नहीं था तो अपने ड्राइव करके हम PMCA चले गए और 26 दिन लेकर उसको रहे। आज भी वह सब तरह से ठीक है, मेरे लिए मरता है, मेरे को सर आँखों पर रखता है। ऐसा 500 उदाहरण अपने पंचायत में मैं आपको दे सकता हूँ जिनको मैं दिल्ली पटना मोतिहारी ले जाकर इलाज कराया हूँ। कभी कभी ऐसा भी मौका आया है कैंसर पेशेंट में गांव में चंदा भी तसला हूँ। मेरे पंचायत में 12 वार्ड है, 12 वार्ड में चलिए आपको समय हो तो सब नल जल दिखा देते हैं। 7 निश्चय के तहत नल जल बन के तैयार है, 3 साल से पानी भी चलता है, लोग पानी भी पीते हैं बढ़िया से। इसमें मेंटेनेंस का रुपया हम लोगों को अभी नहीं मिलता है। मैं अपने पॉकेट से जहाँ भी खर्चा लगता है लेकिन बंद नहीं होने देता हूँ, इसको बराबर चालू रखता हूँ अपने पॉकेट से खर्च करके। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं कुटवा प्रखंड के जसौली पट्टी पंचायत में रियलिटी चेक कर रहा था कि आखिर यहाँ की मुखिया की तारीफ क्यों होती है। तो आपने साफ देखा कि मैंने लोगों से बात की और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि मुखिया जी ने दीन दुनी रात चौगुनी विकास किया और जिस उम्मीदों से हमने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी उस पर खरे उतरे। जहाँ एक तरफ पूरे बिहार में मुखिया पे नए नए आरोप लग रहे हैं, मुखिया के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इस वक्त कमलेश सिंह मुखिया पति और उनकी पत्नी मुखिया उषा सिन्हा सारे मुखिया के लिए मिसाल हैं। कैमरा पर्सन नंदन के साथ अफसर कमाल, HTV न्यूज़ कुटवा। अब खबरें खेल की। गांधी मैदान मोतिहारी के ग्राउंड 1 पर चल रहे स्वर्गीय प्रदीप नंदन शर्मा उर्फ दीपू जी मेमोरियल जिला क्रिकेट सुपर लीग B Division के मैच में टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए यंग 11 की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 323 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम के बल्लेबाजी में सकीबुल गनी ने ताबड़तोड़ 79, हैरिस 56, राशिद जमाल ने 25, आशुतोष ने नाबाद 53 और रहमान ने नाबाद 44 रन बनाए। वहीं राइजिंग स्टार के गेंदबाज कुणाल, शशिकांत और चंदन को 1-1 विकेट मिला। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राइजिंग स्टार की टीम 30 ओवर में 151 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। टीम के बल्लेबाज राहुल ने 54, बसंत ने 29, नीतीश ने 22 और रोशन ने 12 रन बनाए। यंग 11 के गेंदबाज सकीबुल गनी ने गेंदबाजी में भी दमखम दिखाते हुए 5 विकेट चटकाए। आशुतोष और रहमान को 2-2 जबकि नंदन को 1 विकेट मिला। अपने ग्रुप में सभी 5 मैच जीतकर यंग 11 शीर्ष स्थान पर रही जबकि राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब 3 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रही। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यंग 11 के स्टेट प्लेयर सकीबुल गनी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ZK स्पोर्ट्स के सौजन्य से दिया गया। गौरतलब है कि सुपर लीग के सभी मुकाबले आज समाप्त हो गए हैं। A Division से सर्विस क्रिकेट क्लब समाहरणालय और किंग्स 11 क्रिकेट क्लब तथा B Division से यंग 11 क्रिकेट क्लब और राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले की तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल STV न्यूज। सच की आवाज। नमस्कार।